वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी गुरु सवारी परम सत्कारयोग सत्संग जीओ, अज दास यूनीक परसन के तहत एक महान संत जिन्हां दा बचपन का नां भोलानाथ सगा, तो जो बाद दे विच गंध बाबा करके मशहूर होए आ, उन्हां दे जीवन की एक संखेप विचार आप सारियां संगतां नाल सांझा करदा हैगा। सो ये जिहड़े है ना संत सगे गंध बाबा जी, इन्हां दा जन्म 1853 विच पश्चिमी बंगाल च होया सीगा ते इन्हां दी माता दा नां रजेशपुरी सीगे। ते जदों इन्हां दा जन्म होया, जन्म तो 6 महीने बाद इन्हां दे पिता जी सुरगवास हो गए सी। उस तो बाद फिर गंध बाबा जी दी जिहड़ी पालना पोषणा सीगी इन्हां दे माता जी ते इन्हां दे चाचा जी ने कीती सी। एक बार है ना इन्हां दे चाचा जी ने इन्हां नूं एक ना बूटां दी जोड़ी लिया के दित्ती सी। जदों बूटां की जोड़ी लिया के दिती, इन्हां दा एक मित्र सगा जो लहार जाति नाल संबंध रखता सगा ते जो जदों ये बूट पा रहे सके तो उस टाइम वो जिहड़ा मित्र सगा इन्हां नूं बूट पाउंदे देख रहा सगा ते इन्हां ही गंध बाबा जी ने उसे टाइम बचपन दे विच अपने बूट ला के ना अपने मित्र नूं दे दित्ते सगे। ते इन्हां दा ये उदारवादी सुभाव देख के इन्हां दे चाचा जी जिहड़े सी ना, उन्होंने मन दे विच बड़ी नाराजगी जाहिर की सी उन्हां टाइमां 'च कि मैं इन्हूं नवे बूट लैके दित्ते ते पर इन्ने अपने बूट जिहड़े अपने पैरां तो उतार के अपने मित्र नूं दे दित्ते सी। उस तो बाद देखो ये जिहड़े गंध बाबा सी, इन्हां दी उम्र तकरीबन जद 7 साल दी होई है ना, इन्हां ने की कीता शहर जाना, क्योंकि उन्हां टाइमां दे विच मलेरीआ दी बीमारी दा बड़ा जोर हुंदा सीगा ते इन्हां ने शहर जाना, उत्थों कनीन दीआं गोलियां लैणीआं। जद कनीन लैनी तो वह कनीन लैके है ना फिर पिंडा च बेचनी। जब पिंडा च बेचनी तो जोड़े पैसे कनीन दीआं गोलियां तो बचने, हौली हौली फिर इन्हां ने की कीता उन्हां पैसों के है ना जोड़े कई जोड़े लैने शुरू कर दिते। जब छोटे छोटे जोड़े अपने दोस्तों वास्ते लाए तो ये जोड़े खरीद के इन्हां ने अपने मित्रां नूं वंडे सीगे ते जिन्हां नूं देख के इन्हां दे चाचा जी जिहड़े बड़े हैरान रह गए सीगे कि उम्र छोटी आ लेकिन जिहड़े काम आ है ना ये बहुत वड्डे दानी पुरखां वाले आ इन्हां दे। एक बार की होया कि एक इन्हां दे बचपन का कौतक यह सीगा कि एक बार जब ये किते जा रहे सी अचनचेत इन्हां दा पैर जिहड़ा सीगा ना एक तलाब दे विच फिसलन करके उहदे विच डिग पए सीगे। जब तलाब 'च डगे सीगे तो क्योंकि तलाब बड़ा डूंगा सीगा पर जिथों जिथों दे भी लंघे है ना वो जिहड़ा पानी सी तलाब दा वो अपने आप गोडियां दे भार थल्ले घट जांदा सीगा। इन्हां दे कोई ऐसी शक्ति करिश्मा सगा है ना इन्हां दे अंदर कि जित्थों दी लंघदे सी पानी अपने आप झोक के गोटियां दे थल्ले हो जांदा सीगा। ते जिन्हां नूं देख के आले दुआले दे लोकी बड़े हैरान होए कि देखो छोटा जिहा बालक तलाब 'च डिगिआ लेकिन पर जित्थों दी भी लंघदा पानी अपने आप ही गोडियां दे थल्ले नीवा हो जांदा हैगा। इन्हां दी इह चमत्कारी घटना बचपन दी देख के उन्हां टाइमां दे लोकां ने देख लिया कि इह बालक बड़ा रहस्यमयी आ। एक बार की होया कि एक बार ये अपने चाचे का लड़का जिहदा नाम है ना हरी सिंह सीगा, ये जिहड़ा हरी सीगा है ना उन्होंने नाल लैके जब बाहर गए इन्हों पता लगा कि इत्थे लागे बंगाल दे विच एक शमशान दे विच कोई महात्मा आया, पर जिहड़े महात्मा ने किसी नूं अपने लागे लगन नहीं दिंदे, अगर कोई लागे जांदा तो उहदे पत्थर मारदे आ। इन्हां ने मन दे विच सोचिया भी चलो मैं है ना जाके महात्मा दे दर्शन करां, पर क्योंकि दिन होने करके ये गए नहीं। इन्होंने अपना जिहड़ा चाचे का लड़का सीगा हरी उहदे नाल सलाह की कि आप इस तरह करते हैं रात नूं जावांगे, रात नूं महात्मा के दर्शन करांगे। जब देखो लोग सारे सौ गए, ये गंध बाबा जिन्हां दा नाम उस टाइम भोलानाथ सीगा, ये जब उत्थों घरों निकल लगे फिर मन दे विच सोचिया कि असीं महात्मा के दर्शन करन जाना हैगा, कोई ना कोई चीज़ भेटा के लैके जानी चाहिदी आ। फिर इन्हें देखो उस टाइम है ना काछी दे फल सीगे, जिहड़े काछी फल सीगे वो काछी फल थोड़े जे नाल लाए पर अपने चाचे दे लड़के नूं उडीकण लगे, पर काफ़ी उडीक तो बाद चाचे दा लड़का इन्हां दा कोल नहीं आया। तो देखो फिर देर रात जद हो गई तो अपने आप ही काछी फल लैके ये गंध बाबा उन्हां टाइमां दे विच फिर शमशान 'च पहुंचे। जब शमशान घाट गए तो इन्हां ने की देखिया कि वो जिहड़ा शमशान दे विच साधु रहिंदा हैगा उहदा चेहरा जिहड़ा है ना प्रकाश वांगू चमक रिहा हैगा। जब इन्हां ने उहदा चेहरा देखिया तो मन च देखा कि वाकई ये साधु जिहड़ा बड़ी करने वाला हैगा। इन्हां ने जाके जदों कोल उहदे जाण दी कोशिश कीती ते उहदे अगे फल रखे, वो साधु ने पत्थर नूं हथ पा लिया। जद पत्थर नूं हथ पा के इस गंध बाबे नूं मारन लगा तो गंध बाबा जी ने उस टाइम एक सोटी नूं हथ पा लिया। जब सोटी नूं हथ पा लिया तो वो जोड़े साधु शमशान वाले से बड़े हैरान हो गए भी अज तक मैं जिन्हों के पत्थर मारे आ किसी ने मेरा मुकाबला करने की हिम्मत नहीं की, पर देखो एक छोटा जिहा बच्चा ने सोटी नूं हथ पा लिया है। उस तो बाद देखो उन्होंने की किया वो पत्थर जिहड़ा सीगा उत्थे ही रोक दिता, तो रोक के उन्होंने कहन लगे कहिंदे भाई तू सोटी काहते उठाई आ, तो फिर गंध बाबा जी कहन लगे कि तैनूं मारन वास्ते, क्यों जे तू मेरे पत्थर मारूंगा तो मैं तैनूं सोटी मारूंगा। इहदा बचपन का यह हौसला देख के वो जिहड़े महात्मा सीगे उत्थे आए सी वो बड़े चकरत रह गए। उन्होंने की कीते कहंदे कहन लगे कहंदे बच्चा तू अजे छोटा हैगा, तू इदां कर पत्थर छड़ दे ते फिर जड़ा है ना चुप करके मेरे को आ जा। जब इन्नी गल हुई तो ये कहन लगे भी भाई तू पत्थर छड़ दे मैं सोटी छड़ दिंदा। देखो जब दोनों के विच आपस विच सहमति बनी तो उस शमशान वाले बाबे ने पत्थर जड़ा हथ 'च फड़िया सीगा थले रख दिता, तो गंध बाबा ने जिहड़ी सोटी जिहड़ी सी हथ 'च फड़ी वो थले रख दी। जदों सोटी जिहड़ी थले रख दी तो बस फिर की सीगा इन्हां ने जाके उस शमशान वाले बाबे नूं मत्था टेकिया। जब मत्था टेकिया सीगा उस तो बाद फिर उन्हें है ना इन्हों असीस दिती सी। जब असीस दिती सी तो फिर ये जी असीस लैके घर आ गए सी। एक बार जब गंध बाबे की जी माता सी छोटे होंदियां जब बीमार हुई सी, इन्होंने की किया जिन्नियां भी अंदर है ना कृष्ण भगवान दीआं प्रतिमावां लगियां हुई सी उन्हां सारियां नाल झगड़ा कर लिया। झगड़ा इस गल ते वध गया भी जां तां कृष्ण भगवान नूं कहण लगे भी तू मेरी माँ नूं ठीक कर, नहीं तो मैं तेरियां सारियां मूर्तियां तोड़ दूंगा। देखो उस टाइम फिर ऐसा चमत्कार होया सी, इन्हां दी माँ जिहड़ी सी उन्हां टाइमां दे विच ठीक हो गई सी। एक बार की होया है ना जदों ये गंध बाबा जिन्हां दा नाम बचपन दा भोलानाथ सीगा, एक बार जब जा रहे सी ते किसी हल्के कुत्ते ने इन्हां नूं कट दित्ता सी। जद किसी पागल हल्के कुत्ते ने कट्टिया सीगा उस तो बाद फिर इन्हां नूं हलका चढ़िया सीगा। जब हलका चढ़िया सी तो इन्हां दी माता ने देखा भी इन्हां नूं आराम नहीं आउणा, लगदा इन्हां दा शरीर छुट जाना हैगा। इस करके इन्हां दी माता जिहड़ी सी इन्हां नूं लैके गंगा किनारे चले गई। जब गंगा किनारे गई तो उत्थे जद ये माँ पुत्त दोने जाने बैठे सी उत्थे इन्हां ने अचनचेत की देखिया कि एक साधु गंगा दे पानी 'च टुबकी लाउंदा हैगा। जो टुबकी लाउंदा हैगा काफ़ी समा पानी 'च अंदर ला के फिर बाहर आउंदा हैगा, फिर बाहर आके कुछ टाइम सांस लैंदा हैगा, दुबारा फिर टुबकी लाउंदा, फिर काफ़ी चिर पानी 'च रहिंदा हैगा, फिर उस तों बाद बाहर आउंदा। जद इन्हां ने उस साधु नूं इस तरह साधना करदा देखिया तो ये मन विच बड़े हैरान होए कि ये देखो साधु पानी विच किवें साधना कर रहा है। पर जदों साधु की साधना पूरी हुई वो साधु जिहड़ा सीगा इन्हां दे पास आया। उन्हें आउंदियां सार है ना गंध बाबे नूं यह कहता कि मैनू तेरी पीड़ा का ज्ञान हैगा, इस करके तू फिक्र ना कर ते ठीक हो जाना। देखो उस टाइम उस ही साधु ने जिहड़ा सीगा एक बूटी जिहड़ी उन्हें हत्थां दे विच प्रगट कर लई सी इस गंध बाबे छोटे नूं भोलानाथ नूं फड़ाती। तो जद इन्हें बूटी खाधी सी उस तो बाद देखो फिर इन्हां दा जिहड़ा हलका सीगा यकदम दूर हो गया तो इन्हां नूं दुबारा जीवनदान मिलिया। जब जीवनदान मिलिया तो इन्होंने मन में जोड़ा सी अपनी माँ ने सलाह की कि जिस महात्मा ने मैनू जीवनदान दिता है ना मैनू उस महात्मा तो दीक्षा लेनी चाहिए है। जब ये गल हुई सी तो फिर देखिए इन्हों की माँ ने कहा सका कि जरूर जिस तेन महात्मा ने जीवनदान दिता वो तो तेन दीक्षा लेनी चाहिए है। पर जो इन्होंने उस महात्मा तो दीक्षा दान की गल की फिर वो महात्मा कहन लगे भी मैं तेरा गुरु नहीं हाँ, तेरा गुरु कोई होर हैगा। देखो ये गल कह के फिर उस ही महात्मा ने इन्हों एक मंत्र दिता सीगा ते मंत्र दे के कहा सीगा कि तू इस मंत्र का जाप कर ला, तो जदों तू जाप करूँगा तो तेरा जिहड़ा अंतरकार मन है ना वो होर भी शुद्ध हो जाऊगा। तो उस तो बाद फिर जिहड़ी तरक्की आ तेरी वो अपने आप होनी शुरू हो जाऊगी। ये कह के वो जिहड़े महात्मा से चले गए। पर देखो फिर एक बार इन्हों उन्होंने टाइमां 'च पता लगा सीगा कि किसी सेठ दे कोई महात्मा आए आ, उन्हां दे दर्शन करन वाले आ। जदों गंध बाबा जी उस सेठ के घर पहुँचे सी जब देखा सी उही गंगा वाले साधु उस महात्मा के घर बैठे सी। इन्ह ने जाके फिर उन्होंने कोल पहुँच गए, उन्होंने फिर दीक्षा की बेनती की। फिर महात्मा कहन लगे कि हाँ तू काली ना कर, तेन दीक्षा जरूर मिलूगी, जिदन दीक्षा देनी हुई है ना मैं तेनों आप खुद आके लैके जाऊँगा। उस तो बाद देखो वो जोड़े महात्मा से कुछ दिनों बाद फिर इस बालक भोलानाथ के कोल आए सी। जब बालक कोल आए सी तो इन्हां दा जिहड़ा चाचे दा लड़का हरी सी वो भी नाल सीगा ते उस महात्मा ने फिर इस नूं कहता सीगा कि हुण समा आ गया, तैनूं असीं हुण दीक्षा जरूर देवांगे। देखो जदों उस महात्मा ने इन्हां नूं जिहड़ी सी दीक्षा देनी सी तो उस महात्मा ने की कीता कि इन्हां दे उत्ते जिहड़ी सी ना पट्टी बन दित्ती सी। जद अखां दे उत्ते पट्टी बन्नी तो उस तों बाद पट्टी बन के इन्हों कहता सगा कि तुसी मेरे दोने हाथ फड़ लो। जोदे ना बच्चों ने उस महात्मा के दोने हाथ फड़े सी तो देखो वो महात्मा जिहड़े सी फिर आकाश मार्ग थाणी जिहड़े सीगे उत्थों उड़ गए सी। जब महात्मा आकाशवाणी थाणी उड़े सी तो ये जिहड़े बालक जिहड़े सी इन्हां नूं इस तरह प्रतीत हो रहा सीगा कि जिवें वो किसी बहुत उच्चे बाजूमंडल के जड़े आ वो जा रहे हैं, पर अखां ते पट्टी बन्नण होण करके इन्हां नूं कोई नहीं सी पता कि असीं किस दिशा वाल जा रहे हैं। पर जिहड़े महात्मा इन्हां नूं जिहड़े सी लैके जा रहे सी उन्हां महात्मा का नाम निमानंद जी परमहंस होया हैगा। ये जिहड़े निमानंद जी परमहंस सीगे ये इन्हां नूं जिहड़े लैके जिहड़े सीगे उस आकाश मार्ग थाणी इत्थे आ गए जिस इलाके नूं उत्तर प्रदेश कहिंदे आ। हुण जिहड़ा उत्तर प्रदेश इलाका ये 1000 किलोमीटर दूर सीगा। इत्थे है ना एक देवी का मंदिर आ जिस देवी का नाम विद्यावासिनी अष्टभुजी। उस मंदिर दे विच जाके है ना रात नूं इसे महात्मा स्वामी निमानंद जी ने इन्हां नूं उतार दिता सीगा। जदों उतार दिता सी जद इन्हां ने पट्टी खोली तो की देखिया कि असीं किस स्थान पर पहुँच के बड़े हैरान हो गए। पर इसे परमहंस निमानंद जी ने इन्हां बच्चों नूं दस्सिया सीगा कि तुहानूं कुछ दिन इत्थे रुकना पैना हैगा, इस करके मैं तेरा ढाडा रोटी ते कमरे का प्रबंध सारा कर दिता हैगा। तुसीं इत्थे जिहड़ा बड़े आराम दे नाल रहो, मैं कुछ दिनों बाद आऊँगा, उस तो बाद फिर तुहाडी अगली यात्रा शुरू होगी। उस तो बाद जिहड़े देखो जिहड़े स्वामी निमानंद सी उत्थों चले गए, पर बच्चे जिहड़े सी जद 2-4 दिन रहे उस मंदिर दे विच उत्तर प्रदेश दे, उस तो बाद फिर इन्हां दा मन अदास हो गया सी। जद अदास हो गया तो देखो इन्हां दा दिल कीता कि असीं हुण घर पहुँचीए, पर हुण 1000 किलोमीटर आकाश मार्ग थाणी उस मंदिर 'च पहुँचे सीगे। पर उस टाइम इत्थे दी जिहड़ी देवी विंध्यावासिनी अष्टभुजी आ उन्हें फिर इन्हां बच्चों नूं दर्शन दिते। दर्शन दे के फिर इन्हां नूं उन्हें यह कहा हैगा कि तुहानूं चिंता करन दी कोई लोड़ नहीं, तुसीं 1 हफ्ता होर इंतजार करो तो फिर तुहाडा जिहड़ा कार्य अगली यात्रा दा वो शुरू हो जाएगा। जब इन्हां ने उस देवी के दर्शन किए, ये भी उस देवी के दर्शन करके बड़े हैरान रह गए। फिर 1 हफ्ता तो बाद फिर वही महात्मा जिहड़े सी इन्हां बच्चों के पास आए, फिर अखां ते पट्टी बन्नी, पट्टी बन के उस तो बाद फिर एक टुकली पहाड़ वा उहदे अंदर गुफा सी। उस टुकली पहाड़ दे जिहड़ी गुफा सी अंदर जिथे सिद्ध पुरुष रहिंदे सीगे उत्थे पहुँचाता। जदों उस सिद्ध पुरुष को दोने बच्चे पहुँचे सी उस तो बाद 1 दिन फिर उत्थे रहे, फिर यात्रा जिहड़ी सी उत्थों अगे शुरू होई आ। उस तो बाद फिर जिहड़े इन्हां दे अखां दी पट्टी बन्नी गई। उस तो बाद जिस जगह दे उत्ते इन्हां नूं उतारिया गया उस जगह का नाम जिहड़ा है वो ज्ञानगंज करके मशहूर है, क्योंकि पुराने समियां दे विच इस जगह नूं इंद्र भवन भी आखदे आ। पर यह जिहड़ा ज्ञानगंज इलाका हैगा ये तिब्बत के पछमी हिस्से दे विच आउंदा हैगा। इस ज्ञानगंज इलाके का जिहड़ा रकबा हैगा तकरीबन महापुरखां दे कहण अनुसार 16 किलोमीटर बनदा हैगा। तो इस ज्ञानगंज इलाके दे विच बहुत ही सारिया जिहड़ियां ना सूक्ष्म विश्व विद्याले आ। इत्थे नेके सूक्ष्म विश्व विद्याले आ ते बड़े जिहड़े सिद्ध पुरख आ हन इत्थे अस्थान दे विच विचरदे आ। ते इत्थे ही अस्थान दे विच इन्हां 2 बच्चों नूं लिजा के एक महात्मा जी दे सामने जिहड़ा खड़ा कर दिता। तो उस महात्मा दा नाम सी श्री विश्वानंद जी महाराज। जदों श्री विश्वानंद जी महाराज दे सामने ये सिद्ध बाबा जी ते इन्हां दा चाचे दा लड़का खड़ा होया सीगा। उस तों बाद देखो श्री विश्वानंद जी महाराज ने है ना इन्हां 2 बच्चों नूं असीस दिती। असीस दे के फिर इन्हां नूं जिहड़ी सी उस समय दीक्षा जिहड़ी प्रदान की गई। दीक्षा तो बाद फिर इन्हां दी जिहड़ी विद्या सीगी उस ज्ञानगंज दे इलाके दे विच फिर शुरू हुई सी। देखो इस ज्ञानगंज का जिहड़ा 16 किलोमीटर का इलाका इत्थे बहुत सारे जिहड़े विश्वविद्यालय है, लेकिन सारे विश्वविद्यालय गुप्त रूप सूक्ष्म रूप दे विच इत्थे सारा जिहड़े कार्य क्रिया करदे आ। इस इलाके की जिहड़ी सारी जो लीडरशिप आ उत्थे दी एक माँ हैगी जिहदा नाम है राजेश्वरी देवी। उस राजेश्वरी देवी दे अधीन दे विच सारा इलाका पैंदा। पर वो राजेश्वरी देवी दी जिहड़ी है ना एक गुफा इस इलाके तो बाहर है, उहदी भी एक मूर्ति आ, लेकिन अज तक इस देवी नूं किसी ने नहीं देखिया। सो जिस यूनीवर्सिटी दे विच जिस विद्यालय दे विच भोलानाथ ते इन्हां दा लड़का जिस नूं दीक्षा दित्ती गई सी उस यूनीवर्सिटी की जिहड़ी मेन मालिका है वो है एक सेवा माई। ये जिहड़ी एक सेवा माई आ ये तकरीबन 1400 साल का पुराना शरीर आ। दसदे आ कि इस माई का शरीर जिहड़ा ना प्रकाश का बनया होया है, इस करके ये माई जिहड़ी है ना निराहार हैगी आ। इस विश्वविद्यालय दे विच दो डिपार्टमेंट मन्ने जाते आ जिहड़े गंध बाबा जी ने दस्से सी। एक हैगा योग विग्यान तो दूसरा हैगा प्रकृति विग्यान। सो योग विग्यान का जिहड़ा मेन चार्ज हैगा स्वामी भृगुनंद जी परमहंस, जिहड़े स्वामी भृगुनंद जी परमहंस आ वो योग विग्यान का जिहड़ा डिपार्टमेंट आ उस दे हैड वा। तो दूसरा जिहड़ा प्रकृति विग्यान आ इस दे जिहड़े मेन इंचार्ज जां हैड हैगे आ वो है शामानंद जी परमहंस, जिहड़े शामानंद जी परमहंस वा है ना, ये प्रकृति विग्यान के जिहड़े मेन हैड हैगे आ। इस करके गंध बाबा जी ने इन्हां दोनों डिपार्टमेंट ते शिक्षा लई आ ते इन्हां दी शिक्षा लैंदिआं नूं जिहड़े सी वो 12 साल बीते आ। ते इन्हां 12 सालां दे विच गंध बाबा जी ने जिहड़ा प्रकृति विग्यान आ जिस दे विच सूरज चंद्रमा नक्षत्र शब्द ते वायु अगन इस तरह के जिहड़े है ना ਵੱਖ-ਵੱਖ विषय हैगे आ, इन्हां विषयां दे विच जिहड़ी है ना बहुत सारी जानकारी हासिल कीती सी। ते जिहदे विचों इन्हां ने सब तो ज़्यादा जिहड़ा है ना सूरज विग्यान है, सूरज विग्यान दे बारे जिहड़ा सीगा एक सूक्ष्म मात्रा दे विच काफ़ी डूंघी ज्ञान की जिहड़ी प्रक्रिया सी उस नूं हासिल कर लिया सी। सो देखो उस तो बाद फिर गंध बाबा जी ने सूरज विग्यान दे विच एक बिंदु तो जिहड़े 360 किरणां की जिहड़ी पहचान वा 12 सालां दे विच कीती सी। ते इन्हां किरणां दे विचों उन्होंने ये प्रयोग किए थे कि किमें इन्हां किरणां दा जिहड़ा ना प्रयोग हैगा वो कोई भी आदमी अपनी संकल्प इच्छा शक्ति दे नाल जोड़ के किसी भी जिहड़ी वस्तु आ उहदा है ना रूप बदल सकता हैगा। सो उस तो बाद देखो जदों इन्हां दी शिक्षा पूरी हुई सी उस तो बाद फिर इन्हां नूं उदेश मिलिया सीगा कि तुसीं 4 साल संन्यास धारण करना है ते संसार दे विच जाके भिक्षा लैणी आ। देखो फिर ये गंध बाबा जी फिर उस तो बाद संसार च आए। सब तो पहला ये गुजरात के इलाके गए आ, उत्थे इन्हां ने फिर 4 साल संन्यास की शिक्षा धारण की सी। उस तो बाद दोबारा फिर ये जिहड़ी सी फिर उस यूनीवर्सिटी चले गए सी। उस तो बाद जद गए आ उस तो बाद इस यूनीवर्सिटी के श्री विश्वानंद जी जिहड़े महाराज वा उन्होंने फिर इन्हां नूं ये देश दिता सीगा कि तुहाडी जिहड़ी उम्र आ इस टाइम दुनिया के हिसाब नाल 38 साल हो गई आ, हुण तुसीं जिहड़ा संसार च जाना, तुहाडा संन्यास दा 4 साल भी पूरे हो गया। उस तो बाद तुसीं संन्यास दे विच शादी करनी आ। शादी करन तो बाद फिर तुसीं ये जिहड़ी तकनीक इत्थे हासिल कीती आ उस नूं संसार दे विच दसणा हैगा, संसार दे विच जणाउणा हैगा तां जो संसार जिहड़ा नास्तिक पासे जा रहा हैगा उस दी जिहड़ी दिशा हैगी वो आस्तिक पासे हो सके। इस करके गंध बाबा जी ने 1891 विच शादी कीती सीगी। शादी करन तो बाद फिर इन्हां दे संतान होई। संतान होण तो बाद इन्हां दे ज्योतिष ते आरजू वैदिक ये दोनों का मेल करा के जो भी जिहड़ा ज्ञान विग्यान सीगा ये दुनिया नूं जिहड़ा सी ओह देना शुरू कर दित्ता। देखो गंध बाबा जीवन दे अपना जिहड़े ओहदे नियम सीगे वो ये सी कि ये है ना 7 बजे तकरीबन शाम नूं रोज़ खाना खा लेंदे सी। खाना खाने तो 2 घंटे बाद सौंदे सी। फिर 11:30 उठते सी, उठ के इशनान पानी करके फिर ध्यान साधना करते होंगे सी। उस तो बाद फिर 7:30 बजे सवेरे दरवाज़ा खोलते सी। दरवाज़ा खोलण तो बाद फिर ये जड़ियाँ 12 साल तो घट उम्र दियाँ जिन्नियां भी कन्यां सीगियां उन्हां नूं भोजन कराउंदे हुंदे सी। इन्हां दा मानना हुंदा सीगा कि भाई जड़ियाँ 12 साल तो घट उम्र दियाँ जिन्नियां भी कुआरियां कन्यां है उन्हां नूं भोजन कराउण दे नाल जगदम्बे माता दी जिहड़ी खुशी आ वो हासिल हुंदी आ। उस तो बाद जिस कमरे में ये सौंदे हुंदे सी उस कमरे दे विच एक शिवदास नाग जिहड़ा सी रहिंदा हुंदा सीगा ते इस शिवदास नाग दा जिहड़ा नाम सीगा ये चेलियां सारियां नूं पता हुंदा सी। इस करके ये कमरे में कोई नहीं सी जांदा क्योंकि शिवदास नाग नां दा जिहड़ा सर्प सीगा वो इन्हां दी रख्या करदा हुंदा सी। सो गंध बाबा जी दसदे हुंदे सीगे कि मेरा जिहड़ा साह है ना वो मेरे नासका थाणी नहीं आउंदा, मैं नाभी थाणी साह लैंदा हैगा। तो जिस नाभी थाणी साह लैण दा चमत्कार ये हुंदा सीगा कि इन्हां दे शरीर जिहड़ा सी सदा ही सुगंधी नाल भरिया रहिंदा सीगा ते इन्हां दे शरीर दे विचों एक दिव्य सुगंधी हमेशा निकलदी रहिंदी सी। ते जे सुगंधी निकलण करके इन्हां दा नाम संसार दे विच गंध बाबा करके मशहूर होया सीगा। उस तों बाद इन्हां ने है ना काछी दे विच एक विशोधानंद आश्रम जिहड़ा सीगा वो जिहड़ा बनाया सीगा। उस आश्रम विच इन्हां ने जिहड़े जो आदेश इन्हां दे गुरुआं ने इन्हां नूं उस ज्ञानगंज विच दित्ता सीगा उस नूं दसण वास्ते फिर बहुत सारे जिहड़े लोकी सी इन्हां दे पास आने शुरू हो गए सी। ते एक किसी भी चीज़ का जिहड़ा स्वरूप सी उस नूं किवें बदलना हैगा ये सारी जिहड़ी क्रिया सी ये दुनिया नूं दिखालदे हुंदे सी। इन्हां दे विचों जिहड़ियां कुछ घटनावां हैगियां दास आप सारिया संगतां नाल सांझा करदा, क्योंकि इन्होंने जीवन के बहुत सारे ऐसे जिहड़े चमत्कार कौतक सी संसार नूं दिखाए सीगे। ते उन्हां दे विचों एक बार की होया सीगा कि एक पंडित जिन्हां दा नाम गोपीनाथ सीगा, जो MA DLitt सीगे ते प्रिंसीपल सी ते खास करके फिजिक्स के प्रोफैसर सीगे। उन्होंने जब गंध बाबा की जिहड़ी शोभा सुनी सी कि किवें वो गंध बाबा जी संकल्प ते अपने जो प्रकाश करना हैगियां उन्हां तों किवें जिहड़ी किसी भी चीज़ के स्वरूप नूं किसी भी दिशा दे विच बदल सकते हैं। ये देखण वास्ते पंडित गोपीनाथ जब इन्हां कोल पहुँचे सीगे, उन्होंने फिर इन्हां दे अगे सिफारिश कीती सी कि मेरे पास एक लकड़ी का टुकड़ा हैगा, तुसीं इस लकड़ी के टुकड़े नूं ग्रनाइट दे विच बदल सकते हैं। फिर गंध बाबा जी ने कहा सीगा कि जरूर मैं तेरी इच्छा जिहड़ी जरूर पूरी करूँगा। उस तो बाद देखो इन्होंने हाथ दे विच जिहड़ा सीगा एक लकड़ी का टुकड़ा जिहड़ा लिया, उस टुकड़े के उत्ते इन्हां दे पास एक अद्भुत गिलास सीगा। ये गिलास जिहड़ा सीगा किसी विशेष प्रक्रिया द्वारा उस यूनीवर्सिटी में बनाया गया सीगा ते जिहदा हैंडल जिहड़ा सी ओह तांबे दीयां तारां दा बनया होया सीगा। इन्हां ने की कीता, उस ही प्रोफैसर गोपीनाथ तो लकड़ी का टुकड़ा लिया, टुकड़ा लैके उस गिलास जिहड़ियां किरनां सीगियां उसनूं उस लकड़ दे उत्ते जद किरनां नूं जिहड़ा सी पाया सीगा, जद ओह किरनां उस लकड़ दे उत्ते आईयां सी उस तों बाद फिर इन्हां ने ओह जिहड़ी लकड़ सीगी वो गोपीनाथ पंडित नूं फड़ाई सी ते उन्हां नूं आख्या सीगा कि देश इस लकड़ दा जिहड़ा रंग किवें परिवर्तन होया है देखो। फिर गोपीनाथ जिहड़े MA DLitt सी प्रिंसीपल सी जदों उन्होंने देखा भी बड़े हैरान होए। दूसरी बार फिर उन्होंने इसे ही पंडित गोपीनाथ तो लकड़ फड़ी, दोबारा फिर जिहड़ा चमत्कारी गिलास सीगा ओहदियां किरनां जद इस गिलास लकड़ ते पाईयां सीगियां फिर देखो ओहदा रंग होर तरह परिवर्तन होया। फिर तीसरी बार फिर जड़ियाँ सीगियां वो किरना इतने पाइया फिर वह रंग होर हो गया। चौथी पंजवीं बार जब फिर किरना पाइया सी वो जी लकड़ सी ना वो पूरी की पूरी ग्रनाइट के बदल गई सी। पर हाँ जड़ा उस लकड़ की मुठ सी जिस मुठ नूं गंध बाबा जी ने अपने हाथ 'च फड़िया सीगा वो मुठ लकड़ की ही रही, क्योंकि फिर गंध बाबा ने दस्सिया सीगा कि मैं इस पूरी लकड़ नूं ग्रनाइट 'च बदल सकदा हैगा, पर मुठ मैं इस करके नहीं बदली तां जो कोई भी आदमी भुलेखा ना खावे कि ये जिहड़ा केवल तो केवल ग्रनाइट हैगा, इस करके ये मैं लकड़ तो ग्रनाइट बनाया हैगा जिस करके तुहानूं ये यकीन होवे कि किवें जिहड़े महापुरख हैगे आ वो अपनी इच्छा शक्ति दे नाल किसी भी तरीके नाल किसी भी चीज़ के रूप नूं बदल सकदे आ। इस तरह एक अंग्रेज़ जिहदा नाम पॉल बैकटम सीगा है ना, वो लंडन का सीगा, बंबई रहिंदा सीगा। वो भी यदि प्रसिद्धि सुन के जड़ा सी ना जब गंध बाबा जी के पास आया सीगा ते जब आया सी फिर गंध बाबा जी ने उसनूं आख्या सीगा कि तू कल आई, क्योंकि तू अंग्रेजी बोलदा हैगा, इस करके जो तू कल आना तो गोपीनाथ जिहड़े मेन MA प्रिंसीपल हैगे आ फिजिक्स के उन्हां नूं नाल लैके आई, वो तेरी गलबात मैनूं ट्रांसफर करके दसणगे कि तू की चाहुंदा हैगा। जब इन्नी गल होई सी तो फिर ये जिहड़ा अंग्रेज़ पॉल बैकटम सीगा फिर इस प्रिंसीपल नूं अपने कोल लैके आया सीगा, जद नाल लिआंदा सीगा फिर इन्हें कहा सीगा कि आपदी दे पास कोई रुमाल है। फिर देखो जब गोरे ने रुमाल कट के दिता फिर गंध बाबा जी ने आख्या सीगा कि तू मैनूं ये दस कि इस रुमाल के एक कोने दे विच तैनूं किहड़ी सुगंधी चाहिदी आ, ते फिर वो अंग्रेज़ ने आख्या सी गुलाब दी। फिर इन्हें कहा सी इस तरह हो जाओ, एक कोने में इन्हों ने गुलाब की सुगंधी की, फिर दूसरे कोने पुछया सीगा कि तेनों किस फुल की सुगंधी चाहिए आ, फिर गोरे ने आख्या सीगा पेला फुल दी। फिर देखो पेला फुल की सुगंधी जिहड़ी सी दूसरे कोने कर दी। फिर इन्होंने तीसरी बार गोरे ने पुछया सीगा भी इस कोने तेनों किस फुल की सुगंधी चाहिए आ, फिर उस गोरे ने कहा सीगा कि मैनूं चंपा फुल की सुगंधी चाहिए। फिर चंपा फुल की सुगंधी जिहड़ी सीगी वो तीसरे किनारे ते हो गई ते चौथे किनारे दे विच फिर गंध बाबा जी ने आख्या सीगा कि तिब्बत दे विच एक फुल हैगा, ये जिहड़ा फुल हैगा ना तिब्बत दे विच ये तुसीं नहीं जानदे, मैं उस तिब्बत के फुल की सुगंधी चौथे तेरे जो रुमाल का कोना है ओहदे विच प्रगट कर दिंदा। देखो इहदे कहण दे अनुसार ही चारे रुमाल के कोने दे विच चारे सुगंधियां प्रगट हो गईयां ते इन्हां ने जिहड़ा रुमाल सीगा फिर अंग्रेज़ पॉल बैकटम नूं दित्ता सीगा। जद उन्हें रुमाल लिया सीगा वो हक्का बक्का हो गया सी ते गंध बाबे वाल देखदा रह गया सीगा। उस तों बाद उन्हें अपने मन की तसल्ली वास्ते रास्ते जाते कई लोगों ने जिहड़ा सी रुमाल दिखा लिया तो कईयां नूं पुछया कि मैनूं दस भी इहदे विच किहड़े फुल दी सुगंधी आ, हरेक ने आपो अपना जो दस्सिया सीगा उहदे विच गोरा हैरान रह गया सीगा कि गंध बाबा जी ने किवें जिहड़े हैगे आ अपनी जो ऊर्जा शक्ति आ उस ऊर्जा शक्ति ने इस रुमाल के मन चाहिए सुगंधियां जड़ियाँ पैदा कर दित्तियां। उस तो बाद फिर देखो गोरा इन्ना प्रभावित होया सी, फिर गंध बाबा जी के पास आया। जब आया सी फिर गंध बाबा जी ने उसनू बिना सवाल कहे उसके मन की इच्छा प्रगट किया सीगा। तो उसकी मन की इच्छा यह सी कि गंध बाबा किसी मरे हुए पंछी को जगा सकता है। उसकी इस इच्छा पूर्ति वास्ते फिर गंध बाबा जी ने कहा सगा कि यह जिहड़ा खेड है यह भी मैं तेनों हुणे दिखाना। उस तो बाद उस गोरे ने की देखा कि एक आकाश में उड़दा पंछी जिहड़ा सीगा वो यकदम जिहड़ा सी वो फड़फड़ाउंदा होया थल्ले डिग गया। जब थल्ले डिगया तो सामने जिहड़ा सगो अपने प्राण छड्ड गया। उस तो बाद जब उन्हें प्राण छड्डे तो फिर वो गोरे ने पूछा भी दस जिहड़ा पंछी थल्ले डिग गया आकाश 'च उड़दा तो तू अपनी तसली कर कि यह मर गया है। तो फिर गोरे ने चंगी तरह देखा तो वाकया किया गंध बाबे जी ने कि यह पंछी मर चुका है। तो गंध बाबा जी कहने लगे कि देखो किवें मैं इसनूं है ना दोबारा जीवित कर सकता है। फिर देखो गंध बाबा जी ने उस ही चमत्कारी गिलास दियां किरनां जब उस पंछी के शरीर पर पाउणियां शुरू कीतियां वो जिहड़ा पंछी सीगा वो फड़फड़ाउण लगा। जब फड़फड़ाउण लगा तकरीबन अद्धा घंटा फड़फड़ाउण तो बाद वो दोबारा फिर उठ्या। जब ऊपर नूं डारी मारी तो दर्द फिर तीसरी बार जिहड़ा सीगा जमीन पर डिगया तो फिर उसदी जिहड़ी सी मौत हो गई। जब मौत हो गई तो फिर गोरा कहने लगा भी ये तो उड़ के दोबारा फिर जड़ा मर गया है। जब इन्नी गल हुई तो गंध बाबा जी मुस्करा के कहने लगे कि हजे मेरी जड़ी तरक्की हैगी आ बस अद्धे घंटे तक ही आ कि मैं किसी मरी हुई चीज़ नूं अद्धे घंटे तक जीवित कर सकदा, उस तो ज़्यादा नहीं, बस ये मेरी जड़ी है ना हजे सीमा हैगी आ। उस तो बाद गोरा जिहड़ा सीगा बड़ा हैरान होया सी। एक बार की होया कि ये एक है ना 1930 की जिहड़ी घटना हैगी वो भी बड़ी मशहूर आ कि एक जड़ा आदमी सगा गंध बाबा जी के पास आया। जब गंध बाबा जी पास आया तो वो गुजतरी का जड़ा मंत्र सगा वो जपदा हुंदा सीगा। जब गुजतरी का मंत्र जपदा हुंदा सी तो गंध बाबा जी ने उसनूं आख्या कि तेरे पास कोई रूई हैगी आ। जब ये जड़ी सी विचार कीती सी तो थोड़ी जी रूई जड़ी सी उस व्यक्ति ने गंध बाबा जी के अगे रख दी। जब रूई अगे रखी सी तो गंध बाबा जी ने देखो जड़ियाँ अपनिया प्रकाश दियाँ किरनां दा गिलास सीगा उहदियां किरनां जब उस रूई ते पाइयां सीगियां तो वो जिहड़ी रूई सीगी वो गिरतेरी दी मूर्ति दे विच परिवर्तन हो गई सी। तो जब मूर्ति दे विच परिवर्तन होई सी वो सज्जण भी जिहड़े सी ना बड़े हक्के बक्के रह गए सी। इस तरह दी गंध बाबा दी एक नहीं अनेकां ऐसे जिहड़े चमत्कार हैगे आ वो दुनिया दे विच देखण नूं मिलदे आ। इन्हां दे इस चमत्कारी ढंग तरीके के बाद जर्मन तो यूरोप के बहुत सारे लोग जोड़े गंध बाबा जी के पास आते सी ते इन्हां दे चमत्कारां देख के बड़े हैरान होंदे सी। उस तो बाद देखो गंध बाबा जी ने 1934 दे विच एक नभ मुंडी जिहड़ा सीगा वो आसण बनाया सी तैयार कीता सी। उहदे विच उहने आख्या सीगा कि जो भी आदमी इस नभ मुंडी आसण ते बैठेगा तो उसकी तरक्की जिहड़ी है ना बहुत छेती हो सकती है जिहड़ा नभ मुंडी आसण ते बैठ के साधना करेगा। पर उन्होंने कहा सीगा कि यह जिहड़ा नभ मुंडी आसण हैगा ये सब तो शक्तिशाली आ क्यों इस उत्ते केवल तो केवल निर्मल शुद्ध मन वाला ही व्यक्ति बैठ सकता है। अगर शुद्ध मन वाला व्यक्ति ना बैठे तो वह उल्टा नुकसान हो सकता। इस करके कई साधकों ने जिहड़े सी इहदे उत्ते बैठण की कोशिश की पर उन्होंने इस नभ मुंडी आसण के उत्ते है ना बैठण के नाल कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हुई। एक बार दस दिया कि एक लड़की जिहड़ी अमरीका दे किसी परमाणु विग्यानी दे नाल जिहड़ी मंगी हुई सी। उस तो बाद वो जिहड़ा लड़का अमेरिका रहिंदा सीगा परमाणु विग्यानी दा मैर वो फिर जिहड़ा सीगा उस अमरीका तो वापस नहीं आया। फिर ये लड़की जिहड़ी सीगी ये गंध बाबा जी दे उस नभ मुंडी आसण दे उत्ते पहुंची सी। इसने जाके आसन के उत्ते बैठ के जब अपना जिहड़ा बरलाप सीगा मन का बराग सीगा जब जाहिर कीता सीगा। उस तो बाद फिर की होया सीगा कि वो जिहड़ा लड़का उस टाइम न्यूयॉर्क सीगा जिहड़ा इहदा मंगेतर सीगा वो अपने घर सुत्ता पिया सी। उस टाइम एक बड़ी हैरानीजनक घटना हुई सी उन्हां टाइमां विच। ये जिहड़ी घटना 1964 की जिहड़ी दसदे आ उस घटना दे विच उस लड़के ने की देखिया सीगा कि एक धोती कुर्ता पहना जिहड़ा सी कोई आदमी जिहड़ा सी उन्हां दा दरवाज़ा खड़खड़ा रहा सी। जदों कहंदे उन्हें दरवाज़ा खोलिया सी ते फिर उस आदमी ने कहा सीगा कि भाई तू अपना रिश्ता किसी लड़की नाल करके उन्हें कल्ली छड्ड गया इस करके तू इंडिया जाके उहदे नाल शादी कर। जब ये जिहड़ा सी चेता कराया सी उस तो बाद फिर वो जिहड़ा लड़का जब इत्थे आया सीगा ते जब इस लड़की ने नाल उहने शादी कीती सी। लड़की दोबारा जब नव मुंडी जिहड़ा आसण सीगा उत्थे पहुंची सी ते वो जो लड़का सी गंध बाबे की फोटो देख के हैरान रह गया सी। वो कहने लगा भी इहो ही आदमी आ जिहड़ा मेरे घर दे विच आया सीगा ते जिसने मैनूं कहा सीगा कि वो लड़की जिहड़ी तेरे नाल मंगी है तेरी याद च रोंदी आ ते तूं उहदे नाल जाके जिहड़ी शादी कर लै। जद कि गंध बाबा जिहड़े सीगे 1937 दे विच अपना 5 भूतक शरीर ते आ गए सी। उस तों बाद देखो गंध बाबा जी ने अपने जीवन दे विच एक नहीं अनेकां ऐसे जिहड़े वचन कीते आ जिन्हां वचनां दी जिहड़ी सत्ता हैगी आ वो इस संसार दे विच बणी होई आ। देखो ये गंध बाबा जी ने यह दसिया है कि अगर कोई व्यक्ति 5, 7, 9 कन्या जिहड़ियां दी उम्र 12 साल तो घट होवे उन्हां नूं अगर कोई भोजन छका देवे है ना तो उहदे ते फिर जगदम्बे माता की जिहड़ी कृपा हमेशा बनी रहिंदी आ। उस तों बाद गंध बाबा जी ने 130 प्रकार दे जिहड़े विचार वा उस संसार दे विच दित्ते आ। उन्हां ने यह दसिया है कि किसी भी इष्ट की उपासना वास्ते ध्यान का टिकाउणा बड़ा जरूरी आ, पर ध्यान टिकाउण वास्ते है ना जिहड़ी साधना हैगी आ ये आधार होनी चाहिए आ। उस तो बाद उन्होंने इन्हां 130 प्रकार के जिन्ने भी जिहड़े विचार आ उन्हां दे विच जानी जो भी दस्या है उहदे विच ये दस्या कि कोई भी आदमी स्थाई तौर पर ना तो कोई बैरी आ ना मित्र वा। तो फिर इन्हां विचारां विच उन्होंने ये भी दस्या कि कोई भी आदमी तुहाडा कितना भी जिहड़ा हैगा वह लागे क्यों ना होवे पर किसी उत्ते इन्ना छेती विश्वास ना करो। तो फिर उन्होंने ये दस्या है कि साधना का समा जिहड़ा है ना हमेशा निश्चित करके रखो। फिर उस तो बाद उन्होंने अपने विचारां दे विच ये दस्या है भी अपने हिस्से की जिहड़ी साधना हैगी आ वो साधना तो कभी भी पिछे ना हटो। इन्हां विचारां दे विचों फिर उन्होंने ये जिहड़ा दस्या है कि दुनिया दे विच चमत्कार दिखाने जिहड़े आ ये इंसान दे वास्ते कर्म बंधन हो सकदे आ, इस करके चमत्कारां तो हमेशा अपने आप नूं पिछे रखना चाहिदा है। सो ये 130 प्रकार के विचार गंध बाबा जी ने जिहड़े आ दस्से आ। ते लेकिन उन्होंने ये भी मन्निया है कि मैं दुनिया दे विच आके ये जो चमत्कार दिखाले आ कि किसी भी चीज़ नूं संकल्प ते प्रकाश दीआं किरणां दे नाल उहदा रूप परिवर्तन कर देना ये कहंदे मेरा अपना नहीं आ, मैनूं आदेश मिलिया सीगा उस हिमालिया के ज्ञानगंज चों महात्मा दा ते इस आदेश करके ही मैं संसार दे विच ये चमत्कार दिखाले आ, ना कि अपनी प्रसिद्धि वास्ते दिखाले आ। ये चमत्कार इस करके दिखाले आ कि संसार दे लोकां नूं ये ज्ञान हो जावे कि वाहिगुरू जिहड़ा हरेक जरे जरे दे विच रमिया होया है वो शक्ति जिसने कुदरत दे विच अपने आप नूं कई रूपां रंगां दे विच अपने आप नूं अनेक ढंग तरीके दे नाल सिरजिया होया हैगा उहदे अनेकां चमत्कार जिहड़े आ उस अनेकां चमत्कारां दे विचों कोई भी आदमी साधना सिमरन भजन करके किसी भी चीज़ नूं किसी भी प्राप्ति नूं हासिल कर सकदा हैगा तां जो उहदा विश्वास उस अकाल शक्ति दे उत्ते हमेशा बणिया रहे। उस तों बाद देखो गंध बाबा जी ने यह भी जिहड़ा दस्सिया हैगा कि उन्होंने ये आदेश मिलिया हैगा कि वो अपनी मर्जी के अनुसार किसी ने भी संसार दे विच कोई दीक्षा नहीं दे सकते, इस करके उन्होंने जिहड़े लखां श्रद्धालु उन्हां टाइमां च होए आ लेकिन लखां श्रद्धालुआं ने जिहड़ी इस दीक्षा लैण की कोशिश की आ श्री गंध बाबा जी तो, पर गंध बाबा जी ने जिस भी इंसान नूं दीक्षा देनी चाहिए उस नूं इह आखिया सीगा कि मैं तैनूं पुछ के दसांगा। इस तरह उन्हें अपने जीवन के विच 692 लोगों को दीक्षा दी सी लेकिन 692 लोगों के विचों 432 लोग सगे जिहड़े इस दीक्षा दे विच सफल उतरे सगे। तो फिर इस यूनीवर्सिटी जिहड़ी ज्ञानगंज दे विच सूखम रूप दे विच रह रही आ उत्थों दे महात्मा ने दस्सिया सीगा कि जदों अपना शरीर छड्ड जाओगे गंध बाबा जी ने कहा सी तुहाडे शरीर छड्डण तो बाद जिहड़े 432 व्यक्ति हैगे आ इह पूर्ण मोक्ष नूं प्राप्त हो जाणगे। सो यह है गंध बाबा जी का एक संखेप विचार जो दास ने आप सारिया संगतां नाल सांझा कीता। सो विचार करदिआं अनेक तरह दीआं भुल्लां सुभाविक हो जांदियां होईआं बेअंत भुल्लां चुकां दी खिमा बख्शणी। फतेह बुलाओ जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।